हेलो ऑल वेलकम टू ओनली आई एस सो द टॉपिक फॉर द डे इज हाउ टू मेक हैबिट ऑफ राइटिंग आंसर्स डेली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है फॉर योर यू जर्नी और इसेंशली टू क्रैक यू एग्जाम तो आज के इस वीडियो में हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि आंसर्स कैसे लिखते हैं उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस, लेक्चर्स ऑलरेडी ले चुका हूँ देट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब लाइक हाउ टू राइट योर फर्स्ट आंसर्स ऐसे राइटिंग पे भी मैंने कुछ लेक्चर्स देखे हैं हमने कुछ लेक्चर्स क्वेश्चन टैग्स की डायरेक्टिव्स कैसे होते हैं उनके ऊपर भी देखा है बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा फोकस जो रहेगा दैट इज़ टू बिल्ड अ हैबिट ऑफ राइटिंग आंसर्स दैट इज़ डेली तो यहाँ पर आई विल नॉट बी मोटिवेटिंग यू कि भैया हैबिट को किस तरीके से मोटिवेशन के थ्रू आप बना सकते हो बट यहाँ पर मैं मोटिवेशन से ज़्यादा रियलिटी पे फोकस करूँगा कि रियलिटी क्या है यूपीएससी के एग्ज़ाम की और अगर वो रियलिटी आप समझ सकते हो और समझोगे अगर आप उस रियलिटी को देन यू विल बी ईजिली हैविंग दिस हैबिट ऑफ राइटिंग आंसर्स डेली सो बिफोर मोइंग अड एज़ यू ऑल नो दैट यू पी एस सी एग्ज़ाम इज़ अ हर्क्यूलिन टास्क एक बहुत डिफ़िकल्ट एग्जाम है और इसके लिए गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है इसलिए जो भी एस्पेरेंट्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू को अपना सीरियस अटैम्प्ट मानते हैं उनके लिए ओनली आई ए एस हेज़ कम अप विद प्रारंभ इनिशियेटिव जो कि ट्वेल्थ ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगा इसके अंदर हमने थ्री लेवल्स में सारा कोर्स डिज़ाइन किया है जो पहला लेवल है दैट इज़ बेसिक दूसरा है कोर एंड थर्ड इज़ एडवास एंड दीस लेवल्स यू विल बी गेटिंग एन सी आर टी प्लस टेस्ट सीरीज You will be getting more than 1200 plus hours of video lectures for both prelims plus mains. And apart from all these, you will be getting an important feature of dedicated mentorship. In that, you will be getting a डेडिकेटेड डिस्कशन बॉक्स इन विच आस्पिरेंट्स कैन आस दियर इशूस देयर डाउट्स रिगार्डिंग देयर प्रिपरेशन सो इफ यू वॉन्ट टू सी द सैम्पल लेक्चर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशियेटिव यू कैन एक्चुअली गो ऑन टू वीडियो डॉट ओनली आई एस डॉट इन एंड यू कैन चेक द सैंपल लेक्चर्स एंड अ नाइन्थ मंथ प्लान शेड्यूल विल भी गिवन अकॉर्डिंग विद इट सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो अब बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट कोट जो मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता, लगता है और रेलिवेंट लगता है दैट इज़ अ कोट बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन वो ये कहते हैं कि बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल अगर आप प्रिपेयर करने में फ़ेल हो रहे हो हर दिन हर हफ्ते हर महीने देन आप किसकी तैयारी कर रहे हो आप तैयारी कर रहे हो फेल होने की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट कोट है ये तो जिन भी आस्परेंट्स को ये लगता है कि वो अपने डेली टास्क अपने वीकली टास्क अपने मंथली टास्क को क्या है पेंडिंग करते जा रहे हैं फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं देन उनके लिए कोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उनको एक सही गाइडेंस और एक सही डायरेक्शन दिखाने के लिए कि जब भी अगर वो अपना पेंडिंग टास्क पूरा नहीं कर पा रहे हैं दैट मे बी ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन दैट मे बी ड्यू टू बैड टाइम मैनेजमेंट दैन दिस पर्टिकुलर कोर्ट इज़ फॉर ऑल दोज आस्पिरेंट्स कि वो अपनी पी पी को अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर सकें बाय हैविंग दिस पर्टिकुलर कोर्ट इन माइंड कि अगर वो सही से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या होंगे फेल होंगे दैट इज़ बाय नॉट फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल अब बात करते हैं रियलिटी पे। यहाँ पर हम हैबिट को बनाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ रियलिटी तो रियलिटी अगर हम देखें इस एग्जाम की तो हम सबको पता है कि थ्री स्टेजेस हैं इस एग्जाम के अंदर फर्स्ट है प्रिलिम्स प्रिलिम्स हमें पता है कि एम पूछे जाते हैं देन सॉल्विंग एम विल हेल्प यू टू बिकम मोर मास्ट्री ओवर सॉल्विंग एम सी क्यूज़ एंड वी ऑल नो दैट प्रलियम्स इज़ अ क्वालीफाइंग एग्ज़ाम तो हमें पता है कि उसके लिए हमें एम सी सॉल्व करने एम सी क्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें हमारा लॉजिकल पावर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज़ करना है ये चीज़ सबको पता है सेकेंड जो हमारा है दैट इज़ मेन्स और मेन्स का हमें पता है कि दिस इज़ हैविंग अ ह्यूज वेटेज दैट इज़ मेन्स के अंदर आपका सेवेंटीन हंड्रेड फिफ्टी मार्क्स का क्या है कि ओवरऑल वेटेज रहता है यू पी एस सी एग्जाम में विच इज़ मोर मोर देन एटी फाइव टू नाइन्टी परसेंट ऑफ द ओवरऑल मार्क्स और इसके लिए आपको सबको पता है इसमें क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं दैट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना आंसर राइटिंग डेली इज़ दी इसेंशियल थिंग इज दी ओनली मेडिसिन फॉर दिस मेन्स क्लियरिंग तो अगर मैं अब यही नहीं कह रहा कि आप आज ही जाके आपने आज इस तैयारी चालू करी और आज ही जाके आप एम सॉल्व कर लो आज ही जाके आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो बट मैं बता रहा हूँ कि रियलिटी ये है कि हमें प्रुलम्स के लिए एम सी सॉल्व करना है एम को सॉल्व करने का एप्टीट्यूड डेवलप करना है सिमिलरली मेन्स के लिए हमें क्या है कि आंसर राइटिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करने का एप्टीट्यूड बिल्ड करना है ठीक है उसके बाद हमारे पास पता है थर्ड स्टेज इंटरव्यू होती है बट इट विल नॉट बी अ बिग डील अगर आप ये सारे प्रोसेस सही से करते हो देन इट विल बिकम एन ईजी टास्क और ये आपका 275 मार्क्स का होता है तो इसमें हार्डली देर आर वेरी लेस कैंडिडेट्स हु एक्चुअली क्रॉस द टू मार्क ठीक है तो आप तो ज़्यादा से ज्यादा इसमें कितना स्कोर कर सकते हो यू कैन स्कोर लाइक 160, 170 जो कि एवरेज स्कोर होता है जो कि मोस्ट ऑफ द आस्पिरेंट्स को मिलता है तो हमारा मेन फोकस कहाँ होगा यूपीएससी प्रिपरेशन पर, का दैट इज दिस 1750 मार्क्स तो ये रियलिटी है इस रियलिटी को जानोगे तो हैबिट अपने आप बनना स्टार्ट होगी अब देखते हैं आगे क्या है अगर मैं बात करूं तो हैबिट बनाने से और पहले हमें एक फियर को ब्रेक करना है और एक फियर को बिल्ड करना है अरे ये क्या मतलब है एक फियर तो मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ और एक फियर मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ इसका क्या मतलब है तो एक जो फियर हटाना है वो नेगेटिव फियर है वो नेगेटिव फियर क्या है दैट इज़ बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि जब वो अपना पहला आंसर लिखेंगे तो फर्स्ट आंसर उनका कैसा आंसर होगा वर्ल्ड क्लास आंसर होगा इतना खतरनाक आंसर लिखेंगे वो कि आज तक ऐसा आंसर किसी और ने लिखा नहीं होगा और इसी फियर के चक्कर में कि उनको वर्ल्ड क्लास आंसर लिखना है पहला ही आंसर वो क्या है कभी आंसर राइटिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं एट द सेम टाइम बहुत एस्पिरेंट्स को ये फियर होता है कि आंसर राइटिंग क्या बहुत डिफिकल्ट है अपने बस की नहीं है थर्ड बहुत सारे एस्परेंट जो है रूरल बैकग्राउंड से आते हैं जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है उनको फर्स्ट क्या लगता है कि फर्स्ट दे नीड टू तो इम्प्रूव देयर लैंग्वेज और उसके बाद ही वो आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो जिसके अंदर भी ये सारे फियर्स हैं आई आई वॉन्ट दोज़ फियर्स टू बी ब्रोकन बिकॉज हम देखेंगे कि ये सारे फीयर्स एक्चुअल रियलिटी में ट्रू नहीं हैं आपको वर्ल्ड क्लास आंसर नहीं लिखना है आपको सिर्फ़ एक बेटर आंसर लिखना है एज़ कम्पेयर टू द अदर कैंडिडेट जो आपके साथ कॉम्पिटिशन में है उससे जस्ट बेटर आंसर लिखना है आपको पास होने के लिए एट द सेम टाइम आंसर राइटिंग डिफिकल्ट नहीं है हमने देखा है कितने सारे लेक्चर्स के अंदर कि इसको कितनी अच्छी तरीके से ईजी बनाया जा सकता है देन अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक फीयर को बिल्ड करना है अब ये फीयर को बिल्ड करना इज़ नॉट इन नेगेटिव सेंस इसको कंस्ट्रक्टिवली आपके फ़ायदे के लिए आपके एडवांटेज के लिए क्या है कि इस फीयर को बिल्ड करना ज़रूरी है और ये फियर क्या है कि आई हैव टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली बिकॉज इट इज समथिंग विच इज द रिक्वायरमेंट विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द यू पी एस सी एग्जाम आपने देखा मेन्स के अंदर कितना स्कोर है सेवेंटीन हंड्रेड फिफ्टी मार्क्स का वेटेज क्या है कि यहीं है आपका आधा सिलेक्शन मतलब 90 परसेंट आपकी श्योरिटी ऑफ सिलेक्शन क्या है कि यहीं से ही हो जाएगी अगर आपका यहाँ पर स्कोर अच्छा है तो और आप यही रीज़न है कि आप देखोगे जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं उनके मेंस की जो मार्कशीट होती है उसमें उनका बहुत अच्छा स्कोर होता है और उनका ओवरऑल भी क्या है कि मेन्स में परफॉर्मेंस बहुत बेटर रहता है और उनकी आपको आंसर बुकलेट्स ईजिली नेट पर अवेलेबल हो जाती है क्योंकि वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते थे टेस्ट रेगुलरली देते थे इसलिए उनकी क्या है कि आंसर बुकलेट्स भी आपको ईज़िली इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाती हैं अब बात करते हैं एक सिंपल चीज़ है कि यहाँ मैं मोटिवेशन पे डिस्कस नहीं करूँगा आई विल नॉट ट्राई टू डिस्कस मोटिवेशन टू बिल्ड योर हैबिट बिकॉज मोटिवेशन क्या है आज है बट कल चले जाएगा ठीक है स्पेशली एक्सटर्नल मोटिवेशन जो आप YouTube वीडियो से और कहीं कहीं और सोर्सेज से लेते हो वो सारे मोटिवेशन कोई काम के नहीं है क्योंकि वो सारे मोटिवेशन क्या है कि आज रहते हैं और कल चले जाते हैं और उसके बाद क्या है कि आप वापस लथार्जिक को जाते हो आप वापस सोचते हो कि ठीक है आप कल से स्टार्ट करूँगा कल से स्टार्ट करूँगा और वो दिन कभी नहीं आता है तो मोटिवेशन इज़ नॉट द की हेयर अब स्टार्ट करते हैं हाउ टू तो बिल्ड द हैबिट तो हैबिट बिल्ड करने के लिए हमारे पास थ्री आवर्स हैं और ये थ्री आवर्स कौन कौन से हैं फर्स्ट रिमाइंडर यहाँ रिमाइंडर के अंदर क्या है कि आप ये रिमाइंड करवाओगे अपने आप को कि जो आपने एक फियर ब्रेक किया है उसको रिमाइंड करवाओगे डेली बेसिस पे जो आपने एक अच्छा फियर बिल्ड किया है उसको रिमाइंड करवाओगे डेली बेसिस पे यूपीएससी पी की रिक्वायरमेंट क्या है उसको रिमाइंड करवाओगे डेली बेसिस पे अपने माइंड को आपने रिमाइंडर दे दिया अपने माइंड को अरे भाई आंसर राइटिंग तो करनी ही करनी है उसके बाद इस रिमाइंडर को देते ही आप किस पे आ जाओगे रूटीन पे। आपका जो भी रूटीन हो आपके रूटीन के अंदर बहुत सारे गोल्स होंगे आपके अब आप, आपको गोल्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ये गोल्स क्या हो सकते हैं ये आपके गोल्स ईयरली हो सकते हैं मंथली हो सकते हैं वीकली हो सकते हैं डेली हो सकते हैं और आवरली हो सकते हैं और इन्हीं डेली और आवरली गोल्स के अंदर क्या है आप आंसर राइटिंग की हैबिट को क्या है कि डेवलप कर सकते हैं अपने रूटीन में आफ्टर गेटिंग द ट्रिगर फ्रॉम दिस रिमाइंडर और वो हैबिट्स कौन कौन सी हो सकती हैं कि आपके पास अगर कंटेंट नहीं है अभी आपने बहुत इंटरमीडिएट लेवल पर शुरुआत करी है तो क्या आप किसी टॉपिक पर इंट्रो लिखना कोशिश कर सकते हो आप किसी कंक्लूजन लिखने की कोशिश कर सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो आप कोई बॉडी के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर दो डायमेंशन थ्री डायमेंशन फोर डायमेंशन सिक्स डायमेंशन लिख सकते हो अगर आज दो आ रहे हैं तो कल हो सकता है सिक्स डायमेंशन आ जाए देन कैन यू राइट वन आंसर अ डे कैन यू राइट एटलीस्ट टू आंसर अ डे और अगर आपको आंसर राइटिंग भी नहीं आ रही है कंक्लूजन इंट्रोडक्शन बनाना भी नहीं आ रहा है तो आपने जो भी पढ़ा है आज आपने जो भी पढ़ा है लेट सपोज आपने कोई एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ा क्या आप उस पर एक समरी बना सकते हो और समरी बना के उस पर्टिकुलर सारी जो भी राम कथा आपने पढ़ी थी उसको एक पर्टिकुलर वे में प्रिसाइज करके प्रेसी राइटिंग कर सकते हो इतना तो कर ही सकते हो और अगर आप ये रूटीन के अंदर फॉलो करोगे तो आपको क्या होगा आपकी पर्सनैलिटी जो आज है वो कल जो आपकी पर्सनैलिटी होगी वो क्या हो जाएगी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग विद रिस्पेक्ट टू यू पी प्रिपरेशन और आप क्या हो गए जैसे ही आप ये सारी चीज़ों को रूटीन में लेके आओगे आपको क्या कि धीरे धीरे रिवॉर्ड मिलने लगेंगे और ये रिवॉर्ड किस किस तरफ से मिल सकते हैं आप सेल्फ खुद को अपने आप रिवॉर्ड दो रिवायर पिछले हफ्ते तो मैं ये लिख ही नहीं पा रहा था पर इस हफ्ते मैंने डायग्राम्स भी बना दिए आंसर्स के अंदर इस हफ्ते मैंने फ्लोचार्ट भी बना दिए इस हफ़्ते मैंने बहुत अच्छे इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजनस लिखे तो आप सेल्फ अपने आप को अप्रिशिएट रिवॉर्ड करोगे आपको दूसरे लोग भी रिवॉर्ड करेंगे आपके मैंटर्स हो सकते हैं वो आपके फेलो फ्रेंड्स हो सकते हैं फेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो सकते हैं वो बोलेंगे यार तेरी आंसर राइटिंग अच्छी हो रही है दिन बर दिन यू आर एक्चुअली स्कोरिंग गुड तो आप रिवॉर्ड दोगे ये जो रिवॉर्ड है आपको नेक्स्ट दिन क्या है वापस ट्रिगर देगा वापस रिमाइंड करेगा कि मुझे वापस आंसर राइटिंग करनी है ठीक है तो ये क्या हो जाएगी एक जो वर्चुअस साइकिल बन जाएगी जैसे एक पोवर्टी की विशेष साइकिल होती है वैसे ये क्या बन जाएगी आपके लिए वर्चुअस साइकिल बन जाएगी अब अगर हम देखें इस वर्चुअस साइकिल से क्या इंप्रूवमेंट मिलेगा हमें देखने को तो वो इंप्रूवमेंट ये होगा कि अगर हम बात करें हमें लास्ट में क्या मिलेगा वी विल बी गेटिंग एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमी का या मैथमेटिक्स का भी बोल सकते हैं इसको वो क्या कहता है कि अगर कोई भी आस्पिरेंट या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपना यहाँ पर डे ज़ीरो पे ये क्या है कि डे ज़ीरो है यहाँ टाइम क्या है कि टी इक्वल टू जीरो यहाँ से क्या है कि एक आस्पिरेंट जो है वो बोल रहा है कि मैं अपने रूटीन के अंदर ठीक है एक इंट्रो एक कंक्लूजन एक आंसर दो आंसर या कुछ भी प्रेसी राइटिंग लिखना स्टार्ट करूंगा या फिर मैं अपनी आंसर राइटिंग को लेके सिर्फ डेली एक परसेंट इम्प्रूवमेंट दूँगा या फिर करने की कोशिश करूंगा या फिर सिर्फ मैं पंद्रह मिनट देने की कोशिश करूंगा या फिर सिर्फ मैं हाफ़ एन आवर देने की कोशिश करूंगा ये उसके इंप्रूवमेंट है डेली बेसिस पे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका इंप्रूवमेंट लेवल कहाँ चले जाएगा यहाँ चले जाएगा और एक और आस्पिरेंट है वो क्या है कि फ उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आंसर राइटिंग होनी भी चाहिए नहीं होनी वो चाहिए वो चाहे कि थड़ी में बैठ के क्या कि बहुत डिस्कशन कर रहा है इंडिया रशिया का इंडिया नेपाल का उसको बहुत सारी नॉलेज है मगर वो आंसर राइटिंग नहीं कर रहा है जो कि रियलिटी है तो उसके अंदर क्या है कि इंप्रूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग वो क्या हो जाएगा डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर चले जाएगा क्योंकि वो रिजाई रिविजन भी नहीं कर पाएगा सही से वो चीज़ों को क्या है कि अच्छे से रखने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा ऑन अ पीस ऑफ पेपर तो वो क्या हो जाएगा डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्टर पर चले जाएगा और लास्ट में वो क्या हो जाएगा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा बट द सेम टाइम यू एज एन इंडिविजुअल विल भी हैप्पी ठीक है ये सब समझ में आ गया तो आपके हल्का सा रूटीन में क्या है कि चेंज करने के वजह से 15 मिनट्स 30 मिनट्स शुरू में और लास्ट में उसको क्या है कि वन आवर टू आवर फिर लास्ट में जैसे जैसे एग्जाम्स क्लोज आएंगे तो हम क्या है कि थ्री आवर्स के डेडिकेटेड टेस्ट लिखेंगे ठीक है बोथ फॉर प्रिलम्स एंड मीन्स तो आपकी क्या है कि प्रिपरेशन और क्या इंक्रीज़ होती जाएंगे दैट इज़ वन परसेंट इंप्रूवमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल लीड यू टू अ हायर लेवल देन यू आर अर्लियर और वन डिक्लाइन विल लीड टू अ वेरी लोअर लेवल देन यूर अर्लियर तो यहाँ पर दो कैंडिडेट्स का क्या है कि डायवर्जेंस होना स्टार्ट हो जाता है और अब ये डाइवर्जेंस क्या है कि लोगों में स्टार्ट हो गया होगा ऑलरेडी होना तो फाइनली हम देखें तो हमें रिमेंबर क्या करना है फाइनल एक आस्पेक्ट को लास्ट आस्पेक्ट को रिमेंबर क्या करना है कि यू डोंट दैट इज़ वी डोंट वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट ओवर हमको बेस्ट पर्सन नहीं बनना है ओवर कि रात ही रात में हम क्या कि सबसे बेस्ट आंसर लिखने वाले बन जाएँ बट हमें क्या फोकस करना है कि वी कैन बिकम अ बेटर सेल्फ हम जो कल थे उससे हम आज बेटर हैं वी हैव बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ फ्रॉम द प्रीवियस डे फ्रॉम द प्रीवियस वीक फ्रॉम द प्रीवियस मंथ और हम इसी चीज़ को क्या है फोकस करेंगे हर डे तो आई होप आपको अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉग नहीं होना है ज़्यादा टफ नहीं होना है बट एट द सेम टाइम आपको रियलिटी को पॉजिटिवली लेना है कंस्ट्रक्टिवली लेना है ताकि आप अपने यू जर्नी में फ्रस्ट्रेट नहीं हो आप अपनी यू जर्नी को फुलफ़िल हैप्पीली पास करो और उसके अंदर क्या है कि आप स्किल्स भी डेवलप करो और ये स्किल्स क्या है कि बहुत सारे हो सकते हैं बिकॉज ऑलवेज़ रिमेंबर करना कि आपका किसी भी चीज़ के अंदर जो इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज़ के अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है एक तो आपकी कितनी प्रोग्रेस आ रही है उस चीज़ के अंदर और आप कितना टाइम दे रहे हो तो अगर आपको इंटरेस्ट बढ़ाना है किसमें आंसर राइटिंग के अंदर दैट इज़ ऑल्सो डेली आंसर राइटिंग के अंदर तो आपको क्या है वहाँ पर टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा फिफ्टीन मिनट्स थर्टी मिनट्स फोर्टी फाइव मिनट्स जो भी दे सकते हो आप एट द सेम टाइम आपको वहाँ पर अपनी प्रोग्रेस को भी क्या है कि मेजर करना पड़ेगा और प्रोग्रेस आप मेजर करोगे तो आपको क्या मिलेंगे रिवॉर्ड मिलेंगे बाय सेल्फ एंड बाय अदर्स और ये रिवॉर्ड क्या है कि आपको इंटरेस्ट क्रिएशन में टुवर्ड्स आंसर राइटिंग टुवर्ड्स दिस एग्जाम और इंक्रीज कर देंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड कभी नहीं होगे और आप यूपीएससी के लिए एक आइडल कैंडिडेट बन सकोगे सो आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव दिस वीडियो वॉज समथिंग ऑफ वैल्यू एडिशन टू योर एग्जिटिंग प्रिपरेशन हमें और बताओ कि कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में बताओ कि कौन कौन से नए टॉपिक्स हम ले सकते हैं ताकि हम इस प्रिपरेशन को और इजी बना सकें और कंफर्टेबल बना सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स क्या है कि अपना फुल हंड्रेड परसेंट दे पाएँ सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे